नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के आप निदेशक हैं और छात्रों का बहुत विश्वास है इस इंस्टीट्यूट पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ शिक्षा देने का काम कर रही है। राज्य में 6 जगहों पर हमारे द्वारा इस संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और BBA, BCA, मास कम्युनिकेशन का भी ट्रेनिंग हमारे द्वारा दिया जा रहा है। तो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो भी संस्थान संचालित है, उसमें विश्व स्तरीय स्तर का शैक्षणिक कर्मचारी को हम लोग नियुक्त किए हैं। उसमें जो मतलब पूरे बिहार से बाहर से लाना हुआ या बाहर से भी भारत के एक दो टीचर जो बाहर जाके ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, उनको भी हम शिक्षक में वहाँ बहाल किए हुए हैं। तो एक ऐसा है कि जो सुदूर देहात में जा करके शहर का उनको हम फायदा दे रहे हैं कि बड़े बड़े शहर में जो आप जाके पढ़िएगा, वो आपको हम समस्तीपुर के जो ब्लॉक है, जहाँ ब्लॉक स्तर पर हमारा कॉलेज है, वहाँ पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है गाँव में रहने वाले लोगों के लिए। वजह यही है कि हमारे संस्थान में लोगों का झुकाव जो है बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। पिछले बार हम लोगों ने जो राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था, उसमें आप लोगों ने देखा कि 6200 स्टूडेंट अपीयर हुआ उस एग्जाम में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक प्राइवेट संस्थान में नामांकन लेने के लिए 6200 विद्यार्थी आवेदन किया हो, और मेरे यहाँ जो नामांकन लेना था 2800 सीट अवेलेबल था सभी संस्थानों को मिलाकर। बहुत ही सफलतापूर्वक उसको हम 31 दिसंबर 2022 तक उस नामांकन को पूरा किए हैं, और जिसका सत्र हम लोग 2 जनवरी से चालू किए थे। कल 26 जनवरी में 2 दिन पहले बीत चुके हैं, और सरस्वती पूजा के बाद सभी बच्चे अपने अपने पढ़ाई में फिर से लग गए हैं। मैं उन तमाम बच्चों को जो हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब फिर आगे 1 महीने के बाद होली की छुट्टी होगी, इस बीच में जितने दिन बच रहे हैं वो अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दें, और हमारे तरफ से उनको यही संदेश होगा कि 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर से जो कॉलेज आ रहे हो, तो अपने पढ़ाई पर अच्छा से ध्यान दे करके फिर अभी होली में फिर 5 दिन की कॉलेज में छुट्टी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षक है वो भी बाहर के हैं, और जितना स्टूडेंट भी अपने अपने घर जाते हैं तो 1-2 दिन तो सबको जाने में लग जाता है, फिर 1-2 दिन आने में, और 3 दिन कम से कम होली का छुट्टी। तो इस बीच में वो अपना अध्यापन का अध्ययन अध्यापन का काम बहुत ही अच्छे तरीका से समय को यूज करते हुए, समय को सदुपयोग करते हुए करें। चलिए सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत